नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से कोरोना को बढ़ते देख लॉकडाउन की तरफ बढ़ने के संकेत दे रही है, तो वहीं आम जनता इस लॉकडाउन को पुनः ना हो इसके लिए वह लगातार अनुरोध कर रही है। हमने इससे पहले भी जनता की ओपिनियन आपके सामने पेश किए हैं। आज नालासोपारा के रिक्शा चालकों ने भी अपनी व्यथा कथा बताई। उन्होंने साफ तौर पर 100 रुपये के आसपास हुए पेट्रोल की कीमतों, लगातार EMI की तरफ आ रहे दबाव बैंकों की तरफ से और आर्थिक स्थिति की तंगी का हवाला देते हुए मुद्दो सरकार से निवेदन किया है कि लॉकडाउन ना लगाकर अपने ही नियम को और सख्त करें, नियमों को और बड़ा करें। उसको वो झेलने को तैयार हैं, लेकिन लॉकडाउन करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति और ख़राब होगी, वो और चरमरा जाएगी। सुनिए नालासोपारा के रिक्शा चालकों ने क्या कुछ कहा। नहीं, लॉकडाउन होएगा, परिस्थिति के अनुसार होना जरूरी है। जैसा संगठन अपना बोलेंगे वैसा चलेगा यूनियन के हिसाब से। इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लॉकडाउन में? समस्या को तो करना ही पड़ता है। समस्या आर्थिक स्थिति कैसी होती है? स्थिति बहुत विकट चल रही है। क्या समस्या इससे वालों को? सर पहले भी समस्या झेल रहे हैं, आज भी समस्या झेल रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। और रिक्शे वाले को कुछ छूट नहीं है, और बस और ट्रेन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिक्शे वाले को बहुत बड़ी समस्या है। आर्थिक स्थिति तो सर बहुत कमज़ोर है और कमज़ोर हो जाएगी अगर लॉकडाउन होता है। 96-70 रुपये हो गया है, परिवर्तन नहीं और पेट्रोल से परिवर्तन नहीं, सारी गाड़ियां पेट्रोल से, बहुत कम गाड़ियां जो है या CNG से। लॉकडाउन अगर हुआ तो क्या समस्या होगी? लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना? देखिए, लॉकडाउन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए। खाली हम लोग के पास पेट्रोल के दाम 100 रुपये करीब हो गया है। हम लोग की स्थिति ऐसी, रोज कमाना, रोज खाना है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा हम लोग भी चाहते हैं। लॉकडाउन होगा स्थिति हम लोग की ख़राब होगी। सरकार चाहती लॉकडाउन हो, अच्छी बात है लॉकडाउन हो, मगर हमारी भी समस्या तो देखें कि हम गरीब आदमी हैं। अभी हम लोग को 10-10 हज़ार रुपये स्कूल में भरना पड़ा, जिसके 3 बच्चे 30 हज़ार भरा, उसके बाद अपना खाएगा क्या? अपना गाड़ी का हफ्ता नहीं जमा कर पा रहा हम लोग, अपना घर की समस्या है, औरत की भी बीमारी है, बच्चों की बीमारी है। हम लोग बच्चों की बीमारी देखें कि लॉकडाउन में हम लोग को सुविधा नहीं मिलती, साधन नहीं मिलता है। रिक्शा वालों के लिए यही सब लोग बोलते हैं, साहब लोग बोलते हैं कि भाई दो बैठा लो, अब पैसा कम है, 15 रुपये भाड़ा लगा के हम लोग कैसे पड़ेगा? 100 रुपये में पेट्रोल है, 3 किलोमीटर जाता है हम लोग, उसका 70-60 रुपये मीटर गिरता है, हम लोग को 45 रुपया मिलता है। जब साहब लोग का इतना सपोर्ट मिलता है, साहब लोग का काफ़ी हम लोग को सपोर्ट है, हम लोग यही चाहते हैं कि सबका सपोर्ट मिले। हम लोग जैसे सब चल रहे हैं, सुविधा मिलना चाहिए सर। लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और होगा तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन होता है तो इतना समस्या बढ़ गया है। अभी पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया है, अभी लाइन में दो दो पैसेंजर लेके जाने के साहब लोग बोलते हैं, ठीक है, दो घंटा डेढ़ घंटा लगता है लाइन, लाइन लगाने के बाद दो पैसेंजर लेके जाएगा, वो भी 15 रुपये सीट हो गया, 15 रुपये 30 रुपये में क्या पड़ेगा? 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। घर की हालत कैसी हो जाती है? घर की हालत कैसे चलेगा? घर की हालत अभी देखो, लाइट बिल भी माफ़ नहीं हुआ है, बोले लाइट बिल माफ़ करेंगे लॉकडाउन में, लॉकडाउन में माफ़ भी नहीं हुआ। स्कूल का बच्चे लोग का फीस ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाते नहीं पढ़ाते पता नहीं, वो होता भी नहीं है, मगर फीस तो बराबर ले रहे सब। बैंक का हफ्ता देखो, बैंक का हफ्ता बोलेंगे तो गाड़ी कितना खींच के लेके जा रहे हैं, अभी इतना धंधे में परवड़ेगा कैसा? कुछ नहीं होता है, कोई ध्यान नहीं देता है रिक्शा वाले के तरफ, कोई नहीं ध्यान देते। खाली साहब लोग भी बोल देते हैं 2 ही सीट लेके जाने का, उनको भी प्रेशर है, वो लोग भी क्या करेंगे क्या करेंगे, एक एक डेढ़ घंटे में लाइन निकलता है, 30 रुपये लेके क्या करेंगे? लॉकडाउन होएगा तो नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन को ऐसा कंट्रोल में रख के चलेगा ठीक है, लॉकडाउन होने से क्या और लोग नुकसान ही नुकसान है। क्या कहना है आपको लॉकडाउन के विषय पर, होना चाहिए कि नहीं? लॉकडाउन झाला पाहिजे, परंतु लोकांच्या परिस्थितीनुसार सगळं चाललं पाहिजे, कारण लोकांचा एवढा त्रास आहे, लोकांना एवढा त्रास होतो आहे, कारण आमच्यावर एवढा प्रभाव पडलेला आहे रिक्षावाल्यांवर, कारण त्यांचे लोन हे आहे, मुलांचं शिक्षण आहे, हे आहे, ते आहे, सगळ्या गोष्टीवर आमच्या रिक्षावर अवलंबून आहे, त्यामुळं आम्हाला 2 सीटा हे परवडत नाही। लॉकडाऊन म्हणलं तर ठीकच आहे, सगळ्यांसाठी परवडलं पाहिजे, त्याप्रमाणे आम्हाला सुविधा बी देत नाही, सरकार सुविधा देत नाही, काय करत नाही,
आमच्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी तर अवलंबूनच राहिलेल्या आहेत ना। मग असं झालेलं आहे की लोक आतापर्यंत बँकवाले लोनवाले हे सगळे आमच्या पाठीमागं पडलेले आहेत। तर सगळं करून हे लॉकडाऊन जर सारखं करत राहिले तर हे आम्ही कुठनं पैसे भरणार या लॉकडाऊनला त्यांना, हां बँकवाल्याला ह्याला कुठनं पैसे भरणार? शाळेची फी आहे, मुलांचे शिक्षण आहे, हे आहे, मग मुलांचं शिक्षण कसं होणार? या सगळ्या गोष्टीवर आम्ही असं जर अवलंबून राहिलं तर सरकार हे काही नाही चाहेंगे सांगणार आम्ही, तुम्ही लॉकडाऊन करा, नियमानुसार करा, पण आमचं जरा आमच्याकडे बी लक्ष द्या, आमच्या पोटाकडे बी लक्ष द्या। आज आम्ही सगळे उपाशी मरत आहोत, आम्हाला काही रिक्षामध्ये ह्याच्यामध्ये परवडत नाही। हां आमच्या लॉकडाऊन आता फिलहाल तर व्हायला नाही पाहिजे, कारण आता सात आठ महिन्याच्या नंतर लॉकडाऊन खुललेलं आहे, एक दीड महिना झाला आता लॉकडाऊन खुलून। सर्वांची परिस्थिती आता बिकट आहे, रिक्षावाल्यांची तर जास्तच बिकट आहे, कुणाचे लायसन रिन्युअल करायला पैसे नाही, कुणाचे गाडी पासिंग करायला पैसे नाही, दोन सीट घेऊन द्या, त्याच्यामध्ये काय पेट्रोलचा भाव एवढा वाढलेला आहे, 95-96 रुपये पेट्रोलचा भाव झालेला आहे, याच्यामधून रिक्षावाल्यांना काय परवडणार आहे? रिक्षावाल्यांना पण तीन सीट घेतलं, दोन सीट घेतलं, जागोजागी पकडायला लागले, चेक करायला लागले, रिक्षेवाले एवढे फाईन वगैरे कुठून भरणार? कुणाचं पासिंग करायला गाडी पैसे नाहीत, कुणाचं लायसन रिन्युअल करायला पैसे नाही, कुणाचा इन्शुरन्स काढायला पैसे नाही, हे सर्व कुठून येणार? गाड्याचे हप्ते आज 8-9 महिने झाले, हप्तेसुद्धा लोकांचे थकलेले आहेत, बँकवालेसुद्धा रिक्षावाल्यांना परेशान करतात। आता लॉकडाऊन झालं तर रिक्षावाल्याकडे काय पर्याय? आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा काय पर्याय राहिला नाही। माझ्याकडून एवढंच उद्धवसाहेब ठाकरेंना विनंती आहे की जे काय निर्णय घ्या, पब्लिकचा विचार करून घ्या, आम जनतेचा विचार करा, सर्व रिक्षेवाल्यांचा विचार करा, टॅक्सीवाल्यांचा विचार करा, सर्व कामाला जाणाऱ्यांचा विचार करा। आता ट्रेन बंद करणार हे सुद्धा ऐकलं, ट्रेन बंद केली तर मग जनतेने खायचं का?